दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लोफी सॉन्ग क्रिएट करने का एक नया ट्रिक बताने वाला हूं। और जो लोग ये कहते हैं कि लोफी सॉन्ग अपलोड करने से वीडियो रिमूव हो जाती है या वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सब का सलूशन बताने वाला हूं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इसमें हम किसी भी एडिटिंग ऐप का यूज नहीं करने वाले हैं। इसमें हम ना तो काइन मास्टर ऐप का यूज करने वाले हैं और ना ही आइडियो लैब का और ना ही बैंड लैब का यूज करने वाले हैं। आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेज होने वाली है। वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो, चैनल का नाम है लूफी गर्ल और यहाँ पे आप सब्सक्राइबर्स देख सकते हो 12.9 मिलियन, वो भी मात्र 398 वीडियोस में। आप इस चैनल के व्यूज भी देख सकते हो, 97 मिलियन व्यूज, 24 मिलियन व्यूज, 19 मिलियन व्यूज, 18 मिलियन व्यूज। दोस्तों सब कुछ आपके सामने है। अगर लूफी सॉन्ग अपलोड करने से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती तो इनके चैनल पे ऐसा क्यों नहीं है। मैं आपको और भी चैनल दिखा देता हूँ, जैसे कि एक ये चैनल है जिसका नाम है लूफी गॉड। इस बंदे ने 2 महीने पहले मात्र एक वीडियो अपलोड किया था और सबसे पहले आप उस वीडियो पे व्यूज देखिए, 4.3 मिलियन व्यूज हैं। और साथ में इस चैनल पे आप सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, एक वीडियो होने के बावजूद इस चैनल पे 22,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। आपको एक चैनल और दिखा देता हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे इनके चैनल पे व्यूज भी भर भर के आते हैं और चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस चैनल का नाम है लूफी सोल। आप देख सकते हैं मात्र 10 वीडियोज में इस चैनल के भी 15,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अगर इस चैनल के व्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं मात्र 13 दिन में 1.6 मिलियन व्यूज, 9 दिन में 925 के व्यूज हैं और 6 दिन में 153 के व्यूज हैं, 32 के व्यूज हैं। आप लोग साफ साफ देख सकते हो इनके वीडियोस तो रिमूव नहीं हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग करते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको लूफी सॉन्ग बनाने के लिए जिन भी सॉन्ग्स का यूज करने वाले हो आपको उनको पहले से ही डाउनलोड करके रख लेना है। आप उन सॉन्ग्स को किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है ऑडियो जूनियर। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। आपको इस पहले वाली वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपने जितने भी सॉन्ग लूफी सॉन्ग बनाने के लिए डाउनलोड किए थे आपको सिंपल उन सभी को यहाँ पे लेके आना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड ट्रैक की एक बटन शो हो रही है, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है और जिस फोल्डर में आपने इन सॉन्ग्स को रखा है आपको उस फोल्डर में जाना है और यहाँ से आपको उन सभी सॉन्ग्स को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। और अगर सभी सॉन्ग एक साथ नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप एक एक करके भी ला सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। अब यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेट चेक करना है। अगर यहाँ पे MP3 नहीं है तो आपको इसे यहाँ से MP3 कर लेना है। इसके बाद आपको ज्वाइन वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये वेबसाइट यहाँ पे अपना काम कर देगी। तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको इस डन वाली बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपने जो भी सॉन्ग क्रिएट किया है वो डाउनलोड जाएगा। अब आपको दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करना है जिसका नाम है म्यूजिक स्पीड चेंजर। दोनों एप्लीकेशन के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सिंपल आपको वहाँ से इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने सॉन्ग वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके मोबाइल के सारे सॉन्ग शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे अभी जो आपने सॉन्ग क्रिएट किया था आपको उस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अभी इसी सॉन्ग को बनाया था तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आगे कुछ भी करने से पहले मैं आपको इसे प्ले करके सुना देता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिच का ऑप्शन मिलेगा जिसे आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। तो मैं इसे ज्यादा नहीं -1.5 से -2 के बीच में रख लेता हूँ। इसके बाद आपको ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिटर कंपोनेंट्स का, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से कॉन्फिगर कस्टम पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको सबसे ऊपर कंप्रेसर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रिवर्ब और मोनो को भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से बैग आ जाना है। अब यहाँ से इन तीनों को ऑन कर लेना है। तो अब सबसे पहले कंप्रेसर को यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पे आपको कंप्रेसर की सारी सेटिंग मिल जाएंगी। यहाँ से आपको अटैक को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसके बाद आपको रिवर को ओपन करना है। रिवर ओपन करने के बाद में इसकी वेट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। दोस्तों इसके बाद आपको सेटिंग में और कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है, बस आपको इतना ही करना है। यहाँ पे हमने सब कुछ कम्प्लीट कर दिया है। तो अब हमने जो सॉन्ग क्रिएट किया है तो मैं उसको आपको सुना देता हूँ। अब आप इसे सेव कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनकोडिंग KBPS का, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से 320 KBPS को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे फिर से एक ऑप्शन मिलेगा इनकोडिंग KBPS का, आपको इस पे भी क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी 320 KBPS को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक
ऑप्शन मिलेगा सेव डायरेक्टरी का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप अपने म्यूजिक को जहाँ पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको बैग आ जाना है। सॉन्ग सेव करने के लिए आपको फिर से पहले यहाँ पे क्लिक करना है। अब सॉन्ग सेव करने के लिए आपको राइट साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको सेव एडिटेड ट्रैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका सॉन्ग सेव हो जाएगा और अब आप इसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।